Sai Ram. Sit straight, students. Gently close your eyes. Hands on your thighs. Keep your back straight. Concentrate. No distractions, no negative thoughts. Now, we will chant 3 times Omkar. We will be doing meditation. Inner awareness. Antarik Sajagata. मेडिटेशन करते वक्त मन में बिल्कुल टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी हम लोग 3 times ओमकार चैंट करेंगे। ओके, सो डोंट ओपन योर आईज। नाउ वी विल चैंट फर्स्ट लाउडली उच्चार। रेचक ब्रीद आउट, पूरक ब्रीद इन। ओम। Second time, reach up, breathe out, take a deep breath. Om. Third time, reach up, take a deep breath. Om. Prayer, join your hands. Don't look here and there. And concentrate. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahe, Tejasvina Vadhitamastu, Ma Vidvishavahe. ओम शांति शांति शांति। नाउ स्लोली ओपन योर आईज। पामिंग हस्तमर्दन, नेत्रमर्दन। बच्चों, लास्ट वीक में हमने डाइट part 1 और part 2 के बारे में जानकारी ली थी, बराबर है? और आज टू बी कंटिन्यूड, इस पार्ट में हम लोग डाइट का part 3 विच इज कॉल्ड राजसिक डाइट सीखने वाले हैं। तो आइए अब जानते हैं कि राजसिक डाइट क्या है, उसके फायदे क्या है, किन्हें वो करना चाहिए। खाना तो हर कोई खाता है बच्चों, बराबर है? लेकिन आप जानते हो कि हम लोग जो खाना खान पान हमारा खाना पीना होता है वो किस तरह का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड योग शास्त्र, अपने खान पान के बारे में हमें बहुत सजग और अलर्ट रहना चाहिए। हमें सात्विक और राजसिक फूड का सहारा लेना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं राजसिक फूड, इसे राजसिक ये नाम क्यों दिया गया है। राजसिक भोजन की श्रेणी में नमकीन और मसालेदार पदार्थ नहीं आते। इनके अलावा ऐसा खानपान जो मनुष्य को दिमाग को उत्तेजित करता है, मन को शांति प्रदान करता है, इसे ही राजसिक खाना हम लोग कह सकते हैं। राजसिक भोजन जो है वो राजघरानों में अक्सर बनाया जाता था, इसके लिए उसे राजसिक डाइट या राजसिक भोजन कहा गया है। इस तरह के भोजन में नमकीन मसालेदार ऐसे मांस मछली ये सब बातें नहीं होती। ऐसा खानपान जो मनुष्य के शरीर को दिमाग को शांति प्रदान करता है, मन को उत्तेजित करता है, ये मानसिक और राजसिक भोजन में समावेश है। तो राजसिक भोजन यानी क्या? फ्रूट्स, स्प्राउट्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, ताजा किया हुआ खाना, ये सब बातें जो है, ये जो खाना जो है वो इसमें आता है। तो राजसिक भोजन के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ राजसिक भोजन। पाचन में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने वाला राजसिक भोजन हमें खाना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि घर के बड़े बुजुर्ग उपवास के बाद बिना तेल मसालों का खान पान क्यों करते हैं? उसका कारण ऐसा है कि उसे आसानी से पाचन शक्ति को बिल्कुल तनाव नहीं देते हुए उसका पचन होना चाहिए।
राजसिक आहार से शांति और खुशी का शुद्धता का एहसास प्रदान होता है। योग के अनुसार राजसिक भोजन करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। इससे न सिर्फ शरीर की थकान दूर होती है बल्कि व्यक्ति शांति और खुशी का एहसास उसे प्राप्त होता है। राजसिक भोजन पूरी तरह स्वस्थ और शुद्ध होता है, इसीलिए विशेषज्ञ तज्ञ वो कहते हैं कि अपनी त्वचा, अपनी स्किन और अपनी बाल को इम्प्रूव करने का काम राजसिक भोजन करता है। पौष्टिकता से भरपूर राजसिक भोजन ज्यादातर उबालकर ही खाया जाता है। इसमें फल है, सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ताजे फ्रूट्स हैं। तेल, मसाले, शक्कर इसका इस्तेमाल इस भोजन में नहीं होता। डायबिटीज के रोगी हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं, उनको सात्विक और राजसिक फूड खाना चाहिए। इसीलिए ऐसा भोजन राजघरानों में बनाया जाता था और इसीलिए उसे ये नाम दिया गया है। शांति शरीर को, मन को उत्तेजित उत्साहित करने वाला आज हमने राजसिक भोजन क्या है, उसके फायदे हैं, उसके कौन कौन से उससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी ली। आगे के सीरीज में हम लोग पार्ट 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो है तामसिक फूड। लेकिन आज के लिए हम लोग यहाँ पर ही रुकते हैं। तो लास्ट वीक में हमने डाइट 2 सात्विक, आज डाइट 3 राजसिक फूड और पार्ट 1 में हमने डाइट, इसके ऊपर बहुत ढेर सारी चर्चा की थी। ओके, धन्यवाद।